अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी की भाजी अफरोज की स्टाइल में। आ जाओ देखो। पत्ता गोभी मैंने एक बड़े साइज का मैंने पत्ता गोभी ली थी और उसे मैंने इस तरह से काट ली हूँ। और इसे काटने के बाद में अच्छी तरह से धो लेना है और छन्नी में रख के पूरा इसका पानी निकाल लेना है। दो बटाटे ली हूँ मैंने मीडियम साइज़ के, उसे इस तरह से कटिंग कर लेना है और थोड़ी देर के लिए हम पानी में रख देंगे। आप इसमें वटाने भी यूज़ कर सकते हैं। तीन टमाटर हमें बारीक कटिंग करके ले लेना है। ये हरी मिर्च आप अपने अंदाज से लीजिए। एक चम्मच जीरा, हरा धनिया, नमक अपने अंदाज से, और ये मैंने दो करी पत्ते ली हूँ। मैंने तीन चम्मच तेल ली हूँ, आप अपने अंदाज से भी ले सकते हैं। गैस हमें फास्ट रखना है, आप गैस अपने अंदाज से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। जीरा डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे, पत्ता गोभी डाल देंगे, मैं इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि हमें पत्ता गोभी इतनी ज़्यादा रहती है तो हमें प्याज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। टमाटर डाल देंगे, सब एक साथ में ही हमें डालना है। हरी मिर्च भी डाल देंगे और ये हरा धनिया भी डाल देंगे। सारी चीज़ें हमें एक साथ में ही डाल देनी है। नमक भी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए फिर भी हमारे पत्ता गोभी में पानी था तो थोड़ा बहुत पानी छूट रहा है। अगर आपके पत्ता गोभी में पानी अगर नहीं रहेगा तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डालेंगे। अभी हम बटाटे भी डाल देंगे। मेरे बच्चे बटाटा खाना पसंद करते हैं इसीलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए कितना पानी छूटा है। अभी यही पानी में हम बटाटे भी गला लेंगे, भाजी को भी पका लेंगे। हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको ज़रूरत रहेगी तो आप डालिए, अगर आप पानी डालना चाहते हैं तो। ये हमारी जो सब्जी बन रही है ये दो टाइम की सब्जी बन रही है, दोपहर की और रात की। अभी हम ढक कर इसे 10 मिनट तक का पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे बटाटे गले क्या नहीं। गैस को हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है। ये देखिए हमारी भाजी एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी है, पानी भी एकदम अच्छे से सूख चुका है। देखिए बटाटे भी एकदम अच्छे से गल चुके हैं, मस्त एकदम। ये देखिए अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी हम गैस बंद कर देंगे। बटाटे हमारे काफ़ी गल चुके हैं, एकदम बढ़िया। बस मैं अभी आपको सर्व करके बताती हूँ। ये आप चपाती के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ या खिचड़ी के साथ आप ये भाजी बनाकर खा सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से और बहुत जल्दी बन जाती है ये भाजी। और मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करो। टिकटॉक पे मेरी बहुत सारी वीडियो है रेसिपी की। ये हमारी पत्ता गोभी की भाजी हो चुकी है। इंशाल्लाह आप भी बनाओ और दुआ में याद रखना। और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मुझे YouTube पे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छी अच्छी कमेंट भेजो। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और आ जाओ खाने के लिए।